तो ये कलरफुल और टेस्टी रेसिपी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, आज हम ब्रेड का मीठा बनाएंगे। ये एक सारी ब्रेड है, मैं साइड कट करके इसमें एक स्लाइस में चार पीस बना ली हूँ। थोड़ी देर हवा में रखी थी, ये तेल ज़्यादा ना सोक करे, तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल गरम को रखी हूँ। अब ये सारे तल लेते हैं और मीडियम स्लो में तलना है, ये गोल्डन कलर आ जाने तक। ये अच्छे कलड़े तलना है, ये देखिए उलट पलट के अच्छे कलड़े से तल लेते हैं, जैसे कलड़े बिस्किट होते हैं ना उस तरह से। तो सारे तल के निकाल ली हूँ मैं, या तोड़ के भी देखेंगे तो ये बिस्किट टूटता है ना, तो उस तरह टूटते हैं ये तो। और मैं ये दूसरे पतीले में एक लीटर दूध गरम को रखी हूँ। ये देखिए, ये मेजरमेंट कप है, तो इसमें एक लीटर दूध, अच्छा फुल फैट दूध है। अब इसमें इलायची डाल रही हूँ मैं, ये अच्छा उबाल आने देते हैं। और ये केसर के धागे हैं, तो ये भी डालते हैं, तो इससे टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये भी पकने देते हैं। और ये कलर जो है केसर का कलर, ये ऑप्शनल है, आप अपनी पसंद का कलर भी डाल सकते हैं। मैं केसर कलर डाली हूँ। और एक कप चीनी भी डाली हूँ, शुगर तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और ये इसे भी शक्कर को भी घुलने देते हैं। और ये काजू बादाम चिरंज, ये पिस्ता, ये चारों फ्रूट ड्राई फ्रूट हैं, ये बारीक काट ली थी मैं छोटे छोटे। और ये थोड़े किशमिश भी डाल रही हूँ। ये सारों को पकने देते हैं, केसर को भी कलर छोड़ने देते हैं। तो ये देखिए अच्छा पक रहा है, दूध उबाल भी आ रहा है। तब इस टाइम हम ब्रेड डालेंगे। ये अच्छा पकते वक्त डालना ब्रेड, वरना ये हलवा बन जाएगा ठंडे दूध में डालेंगे तो। ये दूध पक रहा है, तो पकते दूध में ये सारी ब्रेड डाल रही हूँ मैं। तो ये भी अच्छे कलड़े होने से इसका हलवा नहीं बनेगा, ये ब्रेड का मीठा ही रहेगा, ब्रेड की रेसिपी। तो इसे भी थोड़ा 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। ये पक्के हलवा नहीं बनेगा क्योंकि अच्छा कलड़े तलने से वजह से। तो ये भी पक के थोड़ी देर के बाद हम ठंडे को छोड़ते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। ये देखिए, मैं ठंडे को ठंडा होने के बाद ये देख रहे हैं, ये ठंडा होने के बाद इसमें घी डाल रही हूँ मैं, ये होममेड घी है। हमारी घी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये भी थोड़ा मिक्स करके छोड़ते हैं, घी को भी सारी खुशबू सारी रेसिपी में मिल जाए। और ये भी सोख ली है, ये ब्रेड सारी दूध को सोख ली है, ठंडा भी हो गया है। अब हम होममेड क्रीम डालेंगे, ये होममेड मैं बना के रखी हूँ। ये देखिए, हमारी घर की मलाई से क्रीम बना के रखी हूँ, तो वो डालते हैं रिचनेस के लिए और टेस्ट के लिए और डेकोरेशन के लिए भी डालते हैं। ये देखिए, मैं सारा डाल रही हूँ। ये फुल फैट दूध की मलाई के ऊपर की क्रीम है, इसके ऊपर हम थोड़े ड्राई फ्रूट भी डालते हैं। ये देखिए, काजू पिस्ता चिरंज, ये पिस्ता डाल रही हूँ, ये काट के रखी हूँ बारीक बारीक। ये बादाम डाल रही हूँ, ये चिरंज डाल रही हूँ, हम पहले दूध में भी डाले थे, अब थोड़े डेकोरेशन में भी डाल रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ से डाल दीजिए। ये इसके बाद हम थोड़ी टूटी फ्रूटी भी डालेंगे क्योंकि कलरफुल लगेगा। ये देखिए कि एक टूटी फ्रूट भी हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये अभी एकदम रेडी टू सर्व है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।